Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we're gonna discuss about some important questions. So ये quiz session जो होता है काफी important होता है because in this you will get to know कि what question you have to attempt and how question you should attempt. तो ये सब चीजें आपको पता चलती हैं तो देखते हैं quiz session को. तो अगर मैं free classes की बात करती हूँ तो सुबह 10 बजे class होती है जहाँ पे मैं आपको previous year questions और कुछ important questions कराती हूँ. उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा गेट से रिलेटेड आपका टॉपिक या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाता है. ये जो क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है और ये मंडे टू फ्राइडे होती है, बिल्कुल लाइव होती है. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं. उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको एक रेगुलर टॉपिक कम्प्लीट कराती हूँ. ये जो टॉपिक होता है बेटा इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती हूँ. और याद रखना है क्विज सेशन होता है जो ट्यूसडे टू और थर्सडे को होता है, ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं. अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. आप जैसे ही प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, कुमकुम गौतम देखने को मिलेगा. आपको सर्च करना है, फॉलो कर लेना है. उसके बाद में जब आप किसी भी टीचर की वॉच वीडियो देखते हो या फिर मेरी देखते हो किसी और टीचर की देखते हो तो आपको वहाँ पे वॉच वीडियो देखने को मिलेगा. तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करते ही अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10. और कुमकुम 10 कोड अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाती हैं. तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. कुमकुम 10 अप्लाई करने के बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगे. अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं. देखो प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है. पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाता है, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, रेगुलरली पढ़ाया जाएगा. आपका पूरा कोर्स जो है बेटा वो कंप्लीट कराया जाता है. जो लाइफ साइंसेस का है पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा. आपको यहाँ पे नोट्स जो है बेटा PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है. आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप चाहे 12 मंथ्स का लें चाहे 24 मंथ्स का लें, आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. और उसके बाद आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं, जितने भी क्विजेज हो रहे हैं वो आपको सारे मिल जाते हैं. मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, आपके जितने भी कोर्सेज यहाँ पे रिलीज हुए हैं आप जाके शेड्यूल देख सकते हैं. आपको सारे सारे जो कोर्सेज मिल जाते हैं. मैं यहाँ पे आपको सेकेंड यूनिट जो है बेटा कवर करा रही हूँ इन द जैन मंथ. जिन बच्चों ने भी कवर करना है तो आप ये कवर कर सकते हैं. आपको जितने भी बैचेस अभी जो बनने वाले हैं, जो रिलीज हो गए हैं और जो रिलीज होने वाले हैं वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ. अगर आपको नहीं पता है तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 8th of January जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर द CSIR June 2021, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम और खुशबू मैम आपको पढ़ाने वाली हैं. तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. और आपको सारे बैचेस जितने भी रिलीज हो चुके हैं, जितने भी रिलीज होंगे, आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, सब चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो बेटा तो आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल रही है. पहली बात तो ये, आपके यहाँ पे डाउट सेशन कराए जाते हैं. डाउट सेशन में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उससे रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे. आपके कोई डाउट है वो सारे क्लियर किए जाते हैं. नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में. अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट अपने टीचर से पूछ सकते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे करेंगे, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, आपको क्विज मिल जाते हैं, आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो बाद में डिस्कस किए जाते हैं. तो आपको सिंपली क्या करना है, कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. So today is the day to get your subscription by now. New batches are coming soon. Start your preparation from today. अगर आपको CSIR UGC NET को क्रैक करना है, अगर GRF में अच्छी रैंक लानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. तो आप अगर क्रैक CSIR UGC NET विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. और क्लिक करने के बाद में आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है या 24 मंथ्स का लेना है. तो जो भी बच्चे आगे वाले CSIR के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 2021 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो 12 मंथ्स का ले सकते हैं. अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, एक साल का अमाउंट है बेटा ये.
एक साल का अमाउंट है। उसके बाद आप एक रेफरल कोड यूज करेंगे, आपका वो जो रेफरल कोड होगा बेटा वो होगा कुमकुम 10, KUM KUM 10 रेफरल कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो 11,550 रुपीज से लेकिन 10% ऑफ के बाद में आपको 10,395 रुपीज पे करने होते हैं, इतना पे करने होता है। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। फिर आपको पेमेंट करना होता है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ईएमआई हो गया है बेटा, यूपीआई हो गया है, वॉलेट हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है, आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट एमबल ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, आपको सिर्फ इसमें पे करना होता है। तो आपको कितना पे करना होगा, ये 10,395 रुपीज है। अगर आप 12 मंथ्स की ईएमआई बनवाते हैं, इतने मंथ की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको 866 रुपीज पर मंथ जो है बेटा इतना पे करना होता है। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो प्लस कोर्सेज अगर ज्वाइन करने हैं, प्रॉपर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तब भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ। ओके, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर पाएंगे, और याद रखना है कि अगर कोई भी इशू आता है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास 30 सेकंड से ट्राई करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें समझाऊंगी। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सिक्यूटिव सिस्टम में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लेना, नहीं तो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो 30 सेकंड से ट्राई करो, क्योंकि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे चीजें जब तक तुम्हारे पास नहीं आएंगी, तुम्हें खुद ट्राई करना होगा उस चीजों के लिए। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन द एक्सेस क्वांटिटीज व्हेन द फंक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपेयर्ड। तो बेसिकली अगर ग्लूकोज की बात करती हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद में रखना है। देखो मैं तुम्हें एक पूरा फिगर बनाकर दिखाती हूँ। देखो ये तुम्हारा होता है पीसीटी, ठीक है, पीसीटी होता है। अब पीसीटी में क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है बेटा। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है बेटा इसका रीअब्सॉर्प्शन होता है, और 99 to 100% जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का वो पीसीटी में ही हो जाता है, पीसीटी में ही हो जाता है। उसको इस पर्टिकुलर लूप ऑफ हेनले या फिर डिस्टल लूप ऑफ हेनले उसमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका जो ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा वो पीसीटी में ही हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ ऐसी चीज खराब हो जाती है, ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, अगर वो जा रहा है, अगर तुम्हारा जो यूरिन है बेटा अगर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, देन व्हिच विल गोना बी इंपेयर्ड, तुम्हारा पीसीटी जो है बेटा वो इंपेयर्ड हो जाता है। दैट इज व्हाई द यूरिन हैज कंटेनिंग द ग्लूकोज विद इट। तो ग्लूकोज उसके साथ बाहर निकल रहा है क्योंकि पीसीटी जो है उसको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रीअब्सॉर्प्शन जो है उसका नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। तो इस चीज को याद में रखना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, क्योंकि पीसीटी में 90 to 100% तुम्हारा ग्लूकोज का जो तुम्हारा रीअब्सॉर्प्शन है वो पीसीटी में होने वाला होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और जैसे ही होगा मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगी। तो ट्राई करो जितना तुम आंसर कर सकते हो। देखो, द माइकलिस कांस्टेंट इज अ मेजर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब हम केएम की बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना है केएम क्या बात करता है। केएम बोलता है कि एक ऐसी सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ये तुम्हारा ये एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ में ये तुम्हारा सब्स्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, ये तुम्हारे वेलोसिटी की कॉन्सेंट्रेशन होती है। नाउ एक ऐसी सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या पहुंच चुका है बेटा, वीमैक्स पहुंच चुका है, Vmax हो चुका है, टोटल सेचुरेशन आ चुका है। एक ऐसी सब्स्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे जो Vmax होता है बेटा, ये जो सब्स्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, Km को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पे Vmax जो होता है बेटा तुम्हारा हाफ होता है, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, Km बोला जाता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट बोला जाएगा। अब केएम से क्या मतलब होता है बेटा, जिस भी एंजाइम का केएम जितना बड़ा होगा उतनी ही जो एंजाइम की एफिनिटी होगी बेटा उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसको वीमैक्स तक पहुंचने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा।
जितना तुम्हारा केएम कम होगा उतनी ही एंजाइम की एफिनिटी क्या होगी बेटा, वो ज्यादा होती है। तो इस चीज को याद में रखना है। तो जो माइकलिस कांस्टेंट होता है इज मेजर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सब्सट्रेट, इसको ये पता करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा होगा उतनी कम एफिनिटी जो है एंजाइम की देखने को मिलेगी, और जितना कम होगा उतनी ज्यादा तुम्हारे एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। थर्मोस्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम इसको नहीं शो करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को कौन शो करता है बेटा, के कैट अपॉन KM रिप्रेजेंट करता है कैटालिटिक एफिशिएंसी को, खाली KM रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जो टर्नओवर नंबर होता है एंजाइम का वो डिफाइन करेगा, अपॉन जो KM होगा बेटा वो डिफाइन करता है तुम्हारी कैटालिटिक एफिशिएंसी को, खाली KM जो है इसको डिटरमाइन नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ से ये गलत हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम को तो बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। तो मैंने सारे ऑप्शन भी तुम्हें समझा दिए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो जैसे होगा मुझे बताना, और तुम्हारे पास 30 सेकंड्स हैं, ट्राई किया करो क्वेश्चंस को, तभी तुम्हें नए नए क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, consider the following statement, the all enzyme require an additional chemical component called cofactor or the coenzyme for the catalytic function, very important। देखो all enzyme require, तो normally क्या होता है enzyme की अगर मैं बात करती हूँ तो all enzyme normally तो नहीं, मतलब ये term जो है इतना positive term नहीं है, ये तुम्हारा गलत होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे CSI वाले ने ये आंसर सही दिया है, तो इसका कुछ फिर हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन सारी एंजाइम को अगर तुम्हें प्रॉपरली कैटालिटिक फंक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल वैसे सही है। अगर तुम देखोगे कोई भी एंजाइम है बेटा, ठीक है, अब ये जो एंजाइम होता है बेटा, इनके पास प्रोटीन वाला पार्ट होता है, अगर इसके साथ में कोई फैक्टर कोफैक्टर अटैच्ड हो जाता है जो नॉन एंजाइम वाला पार्ट होता है बेटा, या फिर कोएंजाइम इसके साथ में अटैच्ड हो जाता है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है बेटा, जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो कोएंजाइम और तुम्हारा कोफैक्टर का जो साथ है एंजाइम को, एक कैटालिटिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है जो नॉर्मली देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, तो याद में रखना है। तो कोफैक्टर फॉर द पाइरूवेट काइनेज इज के पॉजिटिव आयन, एक तो सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कोफैक्टर से आते हैं, तो ये सब मैं करा चुकी हूँ, एंजाइम वाले जो पार्ट मैंने कराए हैं वहां पे तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, जिन बच्चों को भी देखना है वहां से देख पाएंगे। देखो जो हेक्सोकाइनेज होता है तुम्हारा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, इनके लिए कौन रिक्वायरमेंट होता है बेटा, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की, तो जब हम पाइरूवेट काइनेज की बात करते हैं जहाँ पे तुम्हारा पाइरूवेट का फॉर्मेशन होने वाला होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में के पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जब पाइरूवेट पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है तो वहाँ पे के पॉजिटिव आयन की रिक्वायरमेंट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। नाउ व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर द करेक्ट वन, तो बोथ वन एंड टू विल बी आर करेक्ट, आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स हैं, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, 30 सेकंड्स हैं, इसको ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी इसको। ग्लाइकोलिसिस का एक एक पाथ जो है, एक एक तुम्हारा जो स्टेप है वो तुम्हें पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, कहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे ATP यूज हो रहा है, कहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, कहाँ पे कौन सा इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और रेगुलेटर ऑफ एंजाइम कौन है तुम्हारा, बहुत सारी चीजें जो है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से पूछी जाती हैं, जो तुम्हें लगता है अच्छा ये फिर से नई आ गई है, तो अगर सब कुछ पढ़ के जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कुछ छोड़ के जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो अमंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इन द ग्लाइकोलाइसिस वेयर इज NADH प्लस H पॉजिटिव प्रोड्यूस, तो डिहाइड्रोजनेशन वाली जो रिएक्शन होती है वहां पे ये प्रोड्यूस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बात करते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की, तो यहाँ पे कौन सी यूज होती है बेटा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज होती है। अगर वो काइनेज यूज हो रही है तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन तो करेगी नहीं, ऑब्वियसली काइनेज यूज हो रही है, फॉस्फेट वाला रिएक्शन करेगी, तो मतलब यहाँ पे ATP का कंजप्शन किया जाता है, यहाँ पे कुछ भी डिहाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। जब तुम फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से आते हैं टू द ग्लिसराइल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, तो बेसिकली क्या होता है, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। अगर 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या होगा,
यहाँ पे भी तुम्हारा कुछ भी नॉर्मली जो बोलते हैं डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जब तुम्हारा ग्लिसराइड LDL-3 फॉस्फेट से, मैं खुद को हाइड करी वरना तुम्हें दिखेगा नहीं यहाँ से। GLDL-3 फॉस्फेट से क्या होता है, जब तुम्हारा कन्वर्जन होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट का बेटा, इसका जब कन्वर्जन होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा जो NAD पॉजिटिव होता है बेटा NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंजाइम काम करती है GLDL-3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगी। तो ये जो डिहाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन है बेटा कहाँ पे होता है, जब तुम्हारा GLDL-3 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, तो जब तुम्हारा GLDL-3 फॉस्फेट जो है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तब तुम्हारा रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट वन। अब आगे का भी देख लेते हैं, जब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जो है बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब तुम्हारा ATP का फॉर्मेशन होता है बेटा, ATP का प्रोडक्शन होता है जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है बेटा यूज में आएगी। तो ये स्टेप कौन सा है, ATP के प्रोडक्शन का है। इनोलेज वाला स्टेप कौन सा है, जहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है, और जहाँ पे पाइरूवेट काइनेज यूज होता है वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे पाइरूवेट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं पे क्या यूज होता है, के पॉजिटिव जो है एक को फैक्टर की तरह यूज होगा। आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन, तो सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, फिर मैं इसको समझाऊंगी तुम लोगों को। मैं सारा का सारा क्वेश्चन नहीं समझा दूंगी, सो डोंट वरी। ये यूरेसिल है ना, ट्राई किया करो, आंसर किया करो। देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द म्यूटेशंस इन द जेनेटिक मटेरियल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरकलेटिंग एजेंट। तो जो कॉल्चिसिन होता है बेटा ये क्या करता है, जहाँ पे तुम्हारे माइक्रोटिब्यूल का पता लगाना है कि कहाँ पे माइक्रोटिब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, ठीक है, तो वहां पे कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है। सेकेंडली कहाँ पे यूज किया जाता है, सेकेंडली कहाँ पे यूज किया जाता है, जब हम टेटा प्लॉट्स की बात करते हैं, ऑटो टेटा प्लॉट्स बनाने हैं या फिर तुम्हारा एलो टेटा प्लॉट्स बनाने हैं वहां पे यूज किया जाता है, तो कॉल्चिसिन का वहां पे यूज काफी आता है। तो आंसर जो हो जाएगा ए इंटरकलेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, याद रखना है। इथेरियम ब्रोमाइड जो होता है तुम ETBR जैसे बोलते हो, नॉर्मली तुम्हें पता है कि जब हमें प्रॉपरली अगर DNA पे काम करना होता है तो इथेरियम ब्रोमाइड को यूज करना होता है, तो एक इंटरकलेटिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो इसलिए इसको बहुत सावधानी से यूज करना पड़ता है वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत केयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज गोना बी योर आंसर, तो बी जो होगा बिल्कुल सही होने वाला है। 5-ब्रोमो यूरेसिल क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, एक तुम्हारा बेस एनालॉग होता है, तो बेस एनालॉग है तो यहाँ पे इंटरकलेटिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आता तुम्हारा एक्रिडिन डाई आ सकता था, एक्रिडिन डाई हो गया है, ये भी एक इंटरकलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकलेशन के लिए, और तुम्हारा क्या करा देता है यहाँ पे मूवमेंट करा देता है, इन्वर्जन बेसिकली जो है इन्वर्जन हो गया या फिर ये सब चीजें यहाँ पे इंक्रीडिंग डाइज जो है करा सकता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये कॉज करता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है ये कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज याद में रखनी है, एक्रीडिंग डाइज हो गया, तुम्हारे इथिडियम ब्रोमाइड हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइफेम्पिसिन जो होता है बेटा तुम्हारे RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करता है, RNA पॉलीमरेज को इनिबिट करेगा, तो ये आंसर तब आता जब RNA पॉलीमरेज की बात करते, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। तो इसी को याद में रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड इज एन इंटरकलेटिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड एज अ फ्लोरोसेंट टैग, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन यूज होता है एज इन DNA, द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरीज फॉर द टेक्निक सच एज एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो नॉर्मली बच्चे अपने ग्रेजुएशन टाइम में करते हैं उन्होंने यूज भी किया होगा, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है यूज होता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, आई होप तुम्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हारे जितने भी और ऑप्शन है उसको भी कवर कर लिया जाए, कि तुम्हारा वहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहां से भी कवर हो जाएगा। तो 30 सेकेंड से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी। और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दो, चाहे CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि CSI क्लियर करना है तो अभी इस बार जून वाला क्लियर कर देना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, वरना तो आई थिंक अगर एक ऐसा नोटिफिकेशन आ गया कि साल के अंदर एक बार ही पेपर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो कोशिश करना है कि इस बार ही तुम्हारा निकल जाए। जो भी मास्टर्स के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में है, उनके लिए वार्निंग है, और जिन्होंने मास्टर्स कर लिए है वो तो स्पेशली इस चीज पे ध्यान दें। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ प्रिकॉशियस यूरिनरी ब्लैडर इन विच नाइट्रोजन इज वेस्ट एक्युमुलेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चिक। जब हम बात करते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की जब हम बात करते हैं, तो पहला आता है एमनियन, ठीक है। एमनियन आता है जिसमें एमनियोटिक कैविटी होती है, एमनियोटिक फ्लूड होता है, जो बेसिकली क्या करता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, तो इस चीज को याद में रखना है। सेकेंड जो होता है बेटा कोरियन होगा तुम्हारा, कोरियन जो होता है बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, जो नॉर्मली तुम्हारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो तुम्हारा प्लेसेंटा के साथ में जो नाइट्रोजन, जो तुम्हारा ऑक्सीजन कराना है, रेस्पिरेशन कराना है, या फिर कोई भी सामान आना है, तो कोरियन का एक्सचेंज वहाँ पे देखने को मिलता है। एलेंडोर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो वो बॉडी के थ्रू किसके, प्लेसेंटा के थ्रू बाहर भेजा जाता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट का जो तुम्हारा एक एक ब्लैडर की तरह काम करता है, तो एलेंडोर्स काम करता है, ये चीज याद रखनी है। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। अगर योग सैक की बात करते हैं, तो योग सैक भी एक तुम्हारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, तो इस चीज को भी याद में रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको दिख रहा होगा, वरना मैं इसको एक बार छोटा कर देती हूँ, क्योंकि मे भी शायद बच्चों को ना दिखे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलो ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। अब ट्राई करो, हाँ 30 सेकेंड से ट्राई करो एक बार। और ये तो आई थिंक इजी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें इसे पढ़ा चुकी हूँ, और तुम्हें भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा कि इसमें कौन सी स्पीशीज आती हैं। ट्राई करो, मैं देख रही हूँ सबके कमेंट्स। और अगर लगेगा तो मैं तुम्हें फोन से ही रिप्लाई करूंगी। देखो, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। एलोपैट्रिक की अगर मैं बात करते हैं, एलोपैट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे माना कि ये क्या कर रहे थे, दो लोग बहुत प्यार से साथ में रह रहे थे, ये दो लोग बहुत प्यार से साथ में रह रहे थे, बीच में क्या आ गया कि ये चलते चलते क्या हो गया, यहाँ पे नदी आने लग गई, ठीक है। एक तुम्हारा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा चेंज हो गया, या फिर इनके बीच में एक माउंटेन आ गया, तो दोनों क्या हो गए, ये अलग हो गया। एक बहुत बड़ा माउंटेन जब आ जाता है, तो देखो रेनफॉल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, तुम्हारा मौसम भी धीरे धीरे चेंज होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे रहने लग गया और ये यहाँ पे रहने लग गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया, हमें बहुत सारे चेंजेस जो है बेटा देखने को मिलेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मतलब इनका जो जो भी तुम्हारी जनरेशन आएगी नेक्स्ट वाली, एक ऐसा टाइम आएगा कि आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स नई स्पीशीज का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होती है, स्पीशिएशन होता है, तो उसको बोला जाता है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, इसको याद में रखना है। तो अगर देखोगे यहाँ पे स्पीशीज इनहिबिटिंग द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारे एलोपैट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ पे भी ज्योग्राफिकल लिखा आएगा वो तुम्हारे एलोपैट्रिक को ही डिटरमाइन करता है, तो इसको याद रखना है। सिबलिंग स्पीशीज का मतलब क्या होता है, सिबलिंग स्पीशीज का मतलब है कि लगते तो भाई बहन है, लेकिन वो भाई बहन असली में मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, लगते बहन है लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। सिबलिंग स्पीशीज का मतलब होता है स्पीशीज विच आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये दोनों तो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो तो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो होता है बेटा सिबलिंग स्पीशीज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जब हम सिंपैट्रिक स्पीशीज की बात करते हैं, तो ए का टू हो जाएगा बेटा, ए का टू हो जाएगा और बी का थ्री हो जाएगा। अगर ए का टू होगा और बी का थ्री होगा, तो आंसर ही कौन सा आ गया है, आंसर ही तुम्हारा बी विल बी राइट वन। तो बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगर हम सिंपैट्रिक स्पीशीज की बात करते हैं, स्पीशीज इनहिबिटिंग द स्पीशीज द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे माना कि ये एक तुम्हारा ज्योग्राफिकल एरिया था, एक तुम्हारा ये ज्योग्राफिकल एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे दोनों जगह पे वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रहती है उसको बोला जाता है सिंपैट्रिक स्पीशिएशन। जहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, उस लोगों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं, तो क्रोमोसोमल चेंज हो जाएगा, उनकी बॉडी में जेनेटिक चेंज हो जाएंगे, और बाद में एक स्पीशीज जो है देखने को मिलता है।
पैरामेट्रिक मतलब होता है बेटा पेरिफेरी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ स्पीशीज सेपरेट एरिया दैट शेयर अ कॉमन बाउंड्री. तो मतलब पैरापेटिक बिल्कुल पेरिफेरी पे जो रह रहा है लेकिन एक कॉमन बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये जो होता है तुम्हारा पैरापेटिक होता है. इसलिए जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट वन. ये चारों के चारों डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है. अगर ये याद होंगे तो काफी क्वेश्चन जो होंगे तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं. तो ट्राई करना है कि सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंटरेक्शन तो आई थिंक मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए. और ये मैंने नहीं कराया है बट स्टिल ट्राई करूँ, फिर मैं समझाऊंगी तुम लोग. देखो अ सकर फिश अटैच टू द बेली ऑफ द शार्क. देखो नॉर्मली क्या है, ये है तुम्हारा शार्क. देखो बनाने की कोशिश करी है. देखो ये है तुम्हारा शार्क, ठीक है. अब इसकी जो बेली होती है बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सकर फिश जो है अटैच हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद में क्या करता है कि जितना तुम्हारा लेफ्ट ओवर छूटता रहता है, जैसे शार्क ने कुछ खाया, शार्क ने कुछ खाया ये वाला चीज, और क्या हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे छूटेंगे पीछे, तो ये क्या करता है इन पार्टिकल्स को खाता रहता है, पार्टिकल्स को खाता रहता है. अब मुझे बताओ क्या शार्क पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, शार्क पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि ये इसके साथ में अटैच है या नहीं है, या फिर इसका खाना खा रहा है? उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो बड़ा वाला खाना खा रहा है, छोटा छोटा जो मिल रहा है वो तुम्हारा शार्क वो खा रहा है, सकर फिश खा रहा है, तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो ये क्या रहता है, ये बिल्कुल भी इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल रहने वाला है. लेकिन इसका तो बहुत फायदा हो रहा है बेटा, इसको तो खाना मिल रहा है, तो इसको और क्या चाहिए, खाना मिल रहा है. तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. जब जीरो पॉजिटिव वाली बात आती है तो उसमें क्या होता है, उसको बोला जाता है बेटा कमेंसलिज्म बोला जाता है. म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब आपस में दो चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं और आपस में मिलजुल के रहती हैं, अलग नहीं होती हैं नॉर्मली. तो म्यूचुअलिज्म जो होता है जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, तो म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर जो है देखने को मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है देखने को मिलता है. प्रोटो कॉपरेशन की बात करते हैं, वो भी पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा साथ में ही रहेंगे, बिना साथ के कुछ काम नहीं कर पाएंगे. प्रोटो कॉपरेशन है, तुम करोगे तो मैं करूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा. तो पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि साथ में ही रहें. पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म का मतलब होता है ये तुम्हारा प्रे हो गया बेटा, सॉरी पैरासाइट हो गया है तुम्हारा. अब पैरासाइट किस पे काम करता है, होस्ट पे काम करता है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है. पैरासाइट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और तुम्हारे होस्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है. और कमेंसलिज्म में होता है पॉजिटिव और जीरो वाला इम्पैक्ट, तो जो तुम्हें अभी यहाँ पे देखने को मिला है, तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन. तुम्हें देखा होगा कि जो लायन होते हैं बेटा, तो लायन जो होते हैं कभी तुम्हारे डियर को फ्लैश को खा रहे हैं, ठीक है. तो क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी और छोटा सा एनिमल है वो उसका एनिमल लायन का पीछा करता है. क्यों? क्योंकि जब लायन डियर को खा लेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बचेगा फ्लैश, तो वो आके उस पर फीड कर जाएगा. तो ये भी क्या होता है, कॉमेंसलिज्म होता है जो देखने को मिलता है. तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन. तो म्यूचुअलिज्म मैंने सिर्फ समझाया है, तो आंसर जो होगा सी विल बी राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो और जैसे ही होगा मुझे बताना, फिर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी तुम्हें प्रॉपरली. देखो मैनी कैंसर कैरी म्यूटेंट P53 जीन, याद रखना है. P53 जीन होते हैं बेटा ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं. तो जब भी तुम्हें लगता है कि यहाँ पे सेल की ग्रोथ ज्यादा हो रही है या फिर सेल साइकिल बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो P53 क्या करते हैं, वहाँ पे सेल साइकिल ग्रोथ को रोक देते हैं. तो तुम्हारे क्या होते हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं. इसमें बोला है मैनी कैंसर कैरी द म्यूटेंट P53 जीन. क्यों? क्योंकि अगर P53 जीन का म्यूटेंट नहीं होगा, मतलब P53 का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, अगर वो अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, तभी वहाँ पे कैंसर की तरह कैंसर में काम आ सकता है, वरना तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. तो इसमें P53 जीन का क्या होता है, म्यूटेंट प्रेजेंट होता है. व्हाइल द सम कैंसर्स हैव नॉर्मल P53 जीन, जबकि दूसरों में क्या होता है, नॉर्मल P53 जीन देखने को मिलता है.
Now this P53 activate the P21 which inhibit the G1S CDK's phosphorylation of the retinoblastoma protein. Now cancer with the normal P53 gene could. So basically क्या बोला गया है कि अगर मैं तुम्हें नॉर्मल पूरी कहानी समझा देती हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे. क्या होता है कि तुम्हारा जो G1S साइक्लिंग, जो G1S सिस्टम जो चल रहा होता है, G1 से जो S तुम्हारा जाना होता है, G1S से G2 जो जाना है, या फिर G1 से तुम्हारा S में जाना है बेसिकली, ठीक है. इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा कि यहाँ पे जो काम करता है बेटा E2F काम करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है. इसको रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है इसको रोक के रखता है, ठीक है, रोक के रखता है. अब क्या होता है, G1S और इसके CDKs और cyclins यहाँ पे आ जाते हैं. CDK4 और cyclin 4 और 6 वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है. CDK4 6 जैसे ही आते हैं, cyclin 4 जैसे ही आता है, वो क्या करता है, RB को क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है. और RB जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है बेटा, ये क्या होता है, इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है और RB जो होगा बेटा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा. अब E2F बिल्कुल फ्री हो गया है क्योंकि आरबी तो चला गया है. अब E2F रिस्पॉन्सिबल होता है सेल साइकिल की ग्रोथ के लिए और वो तुम्हारी सेल साइकिल को S फेज में पहुंचा देता है, इसमें पहुंचा देता है. और E2F क्या करता है, अपना खुद ही ट्रांसक्रिप्शन कराता रहेगा, खुद ही कराता रहेगा, अपना यहाँ पे एक्टिवेशन कराता रहेगा, और जिसकी वजह से S फेज में प्रॉपर यहाँ पे तुम्हारा काम चलता रहेगा. अब अगर तुम्हारा कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि तुम्हारा सेल साइकिल ग्रोथ ज्यादा हो रहा है या फिर रुक नहीं रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, P53 जो होता है बेटा, जो MDM के साथ में बाइंड, MDM2 के साथ में बाइंड रहता है, उसको पता चलता है. तो P53 क्या करता है बेटा, यहाँ से आता है और P53 खुद काम नहीं करेगा, वो P21 को बोलता है कि जाके सेल साइकिल का अरेस्ट कर दो. तो सेल साइकिल को यहीं पे आके रोक दिया जाता है. जब तक तुम्हारा प्रॉपर चीजें सही नहीं होती हैं तब तक ये अरेस्ट रहेगा, और अगर चीजें सही नहीं होती हैं उसके बाद भी, तो तुम्हारा क्या करा दिया जाता है, अपोप्टोसिस करा दिया जाता है उस पर्टिकुलर सेल का, ये हो जाता है. तो ये जो तुम्हारा पाथवे पूरा P53 का पाथवे कि कैसे यहाँ पे काम करता है. अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि P53 जो है एक्टिवेट करता है P21 को, अभी बताया है, और तुम्हारे G1S साइक्लिन को ये इनहिबिट कर देता है, ये बता दिया है. Now, in the phosphorylation of the retinoblastoma protein, ठीक है, तो तुम्हारा phosphorylation नहीं करेगा तो वहाँ से remove नहीं होगा, तो ये तो important था तुम्हारा. अब cancer with the normal P53 gene, जब अगर cancer जो हो रहा है normal P53 gene है बेटा, normal P53 gene है, could express non-phosphorylated form of RB. मतलब क्या हुआ, P53 gene अगर normal है तुम्हारा तो RB क्या होगा, RB तो normally तुम्हारा क्या होगा, non-phosphorylated form में उसको रखा जाएगा, क्योंकि वो तो phosphorylation यहाँ पे लिखा हुआ है, phosphorylation of the retinoblastoma. अगर P53 gene अगर तुम्हारा normal होगा तो वो non-phosphorylated form में उसमें देखने को मिलेगा, तो जो answer हो जाएगा A will be the right one, जो first होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, तो first जो होगा बिल्कुल सही होगा. Okay. अच्छा, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, जिन बच्चों ने भी अगर प्लस के कोर्सेज यहाँ पे लेने हैं बेटा, देखो प्लस कोर्सेज लेने का फायदा क्या होता है कि आपको एक तो रेगुलरली वहाँ पे पढ़ाया जाता है. अगर आप प्लस कोर्सेज लेते हो तो आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा, आपको एक अंडर वन सब्सक्रिप्शन, आप चाहे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, चाहे आप 6 मंथ्स का ले लो, चाहे 24 मंथ्स का ले लो, आपको सिंपली KUMKUM10 कोड अप्लाई करना है, KUMKUM10 कोड अप्लाई करना है, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाती हैं, आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको सारे बैचेस मिल जाते हैं. तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं. अगर मैं कोर्सेज की बात करती हूँ बेटा, तो मैं आप 2 जनवरी से मेरा कोर्स 2nd यूनिट में करा रही हूँ, 4 जनवरी से. जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं. CSIR UGC नेट को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप Unacademy को ज्वाइन कर सकते हैं. आपको अगर बेनिफिट्स नहीं पता है, देन मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्विज हो गया है, होमवर्क क्वेश्चन हो गया है, ये सब आपको कराए जाएंगे. आपको सिंपली KUMKUM10 कोड अप्लाई करना है, KUMKUM10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ. तो अगर किसी बच्चे को Unacademy पे बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, जो आपके हमारी क्लासेस होती हैं जहाँ पे मैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ, कुछ कुछ दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट कराती हूँ, तो आपको KUMKUM10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल जाएंगी. और अगर आपको प्लस पे आना है बेटा, उसके लिए भी KUMKUM10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ. तो जिन बच्चों ने भी जो भी करना है वो आप कर सकते हैं. तो
दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो और जैसे ही होगा मुझे बताना, फिर मैं तुम्हारा पोल ले लूंगी, पोल इन द सेंस मैं डिस्कस कर लूंगी। हाँ ट्राई करो। तो अगर ये क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो ये ध्यान में रखना है, ये आई टेस्ट वाली क्वेश्चन होते हैं बेटा। देखो आई टेस्ट वाली क्वेश्चन का मतलब होता है सिर्फ तुम्हें आंखों से पहचानना है और तुम्हें पता चल जाएगा आंसर क्या होने वाला है। देखो द फॉरिंग इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन शोइंग अ सिक्स बैंड ऑफ द पॉलिटिन क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला। याद रखना है पॉलिटिन क्रोमोसोम क्या होता है। पॉलिटिन क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा बहुत टीन एक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये तुम्हारे जाइंट क्रोमोसोम होते हैं बेटा, जाइंट क्रोमोसोम होते हैं जो तुम्हारे ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज को भी याद रखना है, क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है तो। नाउ रिसेसिव एलील जो है ए बी सी डी ई एफ, तुम्हारे रिसेसिव एलील दे रखे हैं, आर नोन टू करेस्पॉन्ड टू ईच बैंड बट द ऑर्डर इज नॉट नोन, हमें ऑर्डर नहीं पता है। वेदर रिसेसिव एलील्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट ईच ऑफ दीज डीलीशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। नाउ द प्लस पॉजिटिव इन द टेबल इंडिकेट द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, जो पॉजिटिव है बेटा वो क्या दिखा रहा है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को दिखा रहा है, और जो नेगेटिव है बेटा वो दिखा रहा है कि ये म्यूटेंट अलील है, ये म्यूटेंट अलील है। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। पहली बात तो तुम्हें डिलीशन पता होना चाहिए, ये डिलीशन मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है तो एक बार डिलीशन कर लेना। सिंपली क्वेश्चन में करना क्या होता है, तुम्हें करेक्ट लोकेशन बतानी होती है कि पॉलिटिन क्रोमोसोम की लोकेशन क्या है। तो अगर क्या करना है, तुम्हें जहाँ पे पॉजिटिव टर्म ज्यादा दिख रहे हैं और जो ऊपर से नीचे तक है वहां पे तुम लेना स्टार्ट करो, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर ये वाली क्वेश्चन की बात करती हूँ तो नॉर्मली बच्चों को नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ कि तुम्हारा डिलीशन अगर ए वाली पर्टिकुलर में देखा जाएगा, ए वाली पर्टिकुलर में देखा जाता है, बी वाली पर्टिकुलर में देखना चाहता है, तो कैसे करना है, तो तुम्हारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा बेटा कि देखो ये होगा ए का सेकंड, ए तुम्हारा हो गया। अब डिलीशन कहाँ देखने को मिल रहा है, अगर तुम देखते हो ए वाली पर्टिकुलर पोजीशन को, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव तीनों है, मतलब ये तो तुम्हारे वाइल्ड टाइप है और ये कौन से बेटा म्यूटेंट टाइप है। अब तुमसे पूछा गया है रिसेसिव एलील की कौन सी लोकेशन होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ से नहीं समझ में है क्या करना है। अगर तुम बी वाली पोजीशन पे आते हो, बी वाली पोजीशन पे आते हो, तो यहाँ पे एक म्यूटेंट दिखा है बेटा और चार सारे वाइल्ड टाइप दिखे हैं, तो मतलब यहाँ से तो पता चल गया कि तुम्हारा जो रिसेसिव म्यूटेशन होगा बेटा वो कहाँ पे है, रिसेसिव जो अलील है बेटा वो तुम्हारे फर्स्ट वाली क्रोमोसोम नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन पे है। तो बी का तो फर्स्ट हो जाएगा, अगर बी का फर्स्ट हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन तो गया, डी वाला ऑप्शन तो बेटा यहाँ से गया, डी वाला ऑप्शन यहाँ से गया। अब आते हो तुम सी वाली कंडीशन पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे सी वाली कंडीशन पे तो यहाँ पे तीन कंडीशन दे रखी हैं और ये रहा तुम्हारा दो कंडीशन बेटा, ये रहा तुम्हारा दो कंडीशन। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा अच्छा ठीक है, तीन कंडीशन तो तुम्हारी म्यूटेंट वाली हो गई है और दो कंडीशन कैसी हो गई है, तुम्हारी वाइल्ड टाइप वाली हो गई है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो तुम्हारे सी टू वाली कंडीशन पे ये देखने को मिला हो। जब तुम डी वाली कंडीशन पे आते हो तो वन टू थ्री वाली कंडीशन देखो, ये अगर तुम्हारे वन पे था, ये तुम्हारे वन पे था, तो तुम्हारे सेकंड पे कौन है, सी टू है, उसके बाद कौन है, डी तुम्हारा थ्री पे है, डी तुम्हारा थ्री पे है, उसके बाद में ए जो आ जाएगा बेटा, क्योंकि बिल्कुल उल्टा कंडीशन हो गया, तो ए आ जाएगा तुम्हारे फोर्थ वाली कंडीशन पे, ए फोर्थ वाली कंडीशन पे आ जाएगा। अब क्योंकि तीनों तीनों नेगेटिव में थे, अब तुम देखो, अब बिल्कुल उल्टा करो, पहले तो नेगेटिव वाले तुमने चेक कर लिए कि पहले नेगेटिव किस में आए हुए हैं, पहले चेक कर लिया है कि पहले नेगेटिव किस में कम थे और पॉजिटिव किस में ज्यादा थे, तुमने पहली वाली कंडीशन ये चेक करी क्योंकि बी में सबसे कम थे। अच्छा मैं एक बार और इसको प्रॉपरली समझा देती हूँ, आई थिंक बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो पहले क्या चेक करना है, म्यूटेंट वाली कितनी फॉर्म है और पॉजिटिव कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक म्यूटेंट वाली फॉर्म थी, तो ये तुम्हारा ये था, तो ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन नेगेटिव है, दो पॉजिटिव आ रहे हैं, पूरे सीक्वेंस में आ रहे हैं म्यूटेंट फिर वाइल्ड टाइप, तो ये सेकंड वाली पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ रहा है, पूरा सीक्वेंस में आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो ये थर्ड वाली पोजीशन पे होगा। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, कोई यहाँ पे नेगेटिव फर्स्ट वाली पोजीशन पे नहीं बचा है, कोई भी म्यूटेंट नहीं बचा है, तो अब किस पे आना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिव वाली कंडीशन पे आना पड़ेगा। अब हमें देखना है अच्छा यहाँ पे दो पॉजिटिव है, अब तीन यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब फोर्थ वाली पोजिशन पे ये होगा, फोर्थ वाली पोजिशन पे ये होगा।
यहाँ पे तीन पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव यहाँ पे हैं, तो मतलब फिफ्थ वाली पोजीशन पे ये होगा, और सबसे लास्ट वाली पोजीशन में कौन हो जाएगा, सिक्स वाली कंडीशन पे एफ सिक्स देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल याद रखना है, म्यूटेंट वाला आएगा, उसके बाद जितने वाइल्ड टाइप होंगे उसको देखना है, फिर जितने तुम्हारे नेगेटिव पहले आएंगे पॉजिटिव बाद में आएंगे उनको देखना है, उस हिसाब से इस चीज में निशान लगाना है। आई टेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो जो आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी योर राइट वन, तो तीसरा जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो और जैसे होगा मुझे बताना, फिर मैं समझा दूंगी इसको। 30 सेकंड से ट्राई करो एक बार। देखो मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो ये तुम्हारा इंसेक्ट दे रखा है बेटा, ये तुम्हारा ऑर्डर दे रखा है। अगर मैं बीज की बात करती हूँ बेटा, हनी बीज की बात करती हूँ, नॉर्मली ये किसको बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हाइमेनोप्टेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करते हैं। जहाँ पे क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉयडी वाला केस देखने को मिलता है, मतलब फर्टिलाइज्ड जो एग होता है बेटा, वो फीमेल को बनाता है, ठीक है, तुम्हारी क्वीन को बनाता है। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड होता है बेटा, अनफर्टिलाइज जो एग होता है वो तुम्हारे ड्रोन्स को बनाता है, वो तुम्हारे मेल्स को बनाता है, जिनका सिर्फ काम होता है कि एक बार क्वीन के साथ में मेट करना है, उसके बाद इनको मर जाना है। तो यही काम होता है। यहाँ पे वर्कर बीज भी होती हैं, जो अपना जो फर्टिलिटी है बेटा उसको दे देती हैं, वो आगे अपनी चीजों को नहीं बढ़ाती हैं, वो सारी जो जितने भी उनका बाद पोटेंशियल होता है वो क्वीन में उसको दे देती हैं। क्वीन में पोटेंशियल मतलब उनके वर्कर की तरह काम करेंगी, नर्स सेल्स की तरह काम, नर्स सेल्स की तरह काम करती हैं, तो इन सब चीजों की तरह काम करेंगी। तो ये हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करता है। अगर मैं बटरफ्लाइज की बात करती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बिलोंग करती है बेटा लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करती है। नाउ इनके ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, आई थिंक तुमने देखे भी होंगे क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउस फ्लाइज की जो बात करते हैं, हाउस फ्लाइज जो बिलोंग करती है बेटा, ये किसको बिलोंग करती है, डिप्टेरा क्लास को बिलोंग, ऑर्डर को बिलोंग करती है। तो डिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करेंगे ये। और टर्माइट्स जो होते हैं, टर्माइट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी सोशल इंसेक्ट होते हैं। टर्माइट्स हो गए तुम्हारे, बीज हो गई है तुम्हारे, वॉस्प हो गए, तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, तुम्हारे किसको बिलोंग करते हैं, सोशल इंसेक्ट्स को बिलोंग करते हैं, जो एक सोशल कॉलोनी में काम करते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो टर्माइट जो होते हैं बेटा आइसोप्टेरा जो क्लास है, सॉरी ऑर्डर है, उससे बिलोंग करते हैं। तो टर्माइट्स आइसोप्टेरा से बिलोंग करेंगे, बीज जो हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करेंगे, बटरफ्लाईज लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करेंगे, और हाउस फ्लाईज जो है तुम्हारे डिप्टेरा से बिलोंग करेंगे। इसकी वजह से आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन, जो डी होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और जैसे होगा मुझे बताना, फिर मैं तुम्हारा तुम्हें समझा दूंगी। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, ट्राई करो। ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, नर्व कंडक्शन करके एक टॉपिक है जो मैंने समझाया हुआ है, जिन बच्चों ने देखनी है क्लासेस वो वहां से देख सकते हैं, तो आई थिंक चीज समझ में आ जाएंगे अगर आप वो देख लेंगे तो। देखो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मेमोरी पोटेंशियल इन साइड द सेल, तो बेसिकली क्या होता है कि कैसे होता है, मैं एक बार तुम्हें समझा देती हूँ। नॉर्मली अगर मैं रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल की बात करती हूँ, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल की बात करती हूँ, तो ये -70 MB होता है बेटा, -70 MB होता है। अब जैसे डीपोलराइजेशन होता है, कैसे होता है, जब तुम्हारे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम आयन जब अंदर मूव करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, +35 MB तक तो क्या चला जाता है, तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो इतना इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव में चला जाता है। पहले कैसा था, नेगेटिव में था, फिर क्या होता है, तुम्हारा हाइपरपोलराइजेशन होगा, जहाँ पे के पॉजिटिव आयन के जो चैनल है बेटा वो ओपन हो जाते हैं और इनका इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब के पॉजिटिव आयन का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारा क्या होता है, रीपोलराइजेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा हाइपरपोलराइजेशन के बाद में बिल्कुल वही आ जाएगा। तो फिर से -70 MV वाली कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब फिर से नेगेटिव वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहले नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, जिसे डीपोलराइजेशन बोला जाता है, आगे इन्फॉर्मेशन इसी पर्टिकुलर एरिया में पास होती है, ठीक है, इसी के थ्रू पास होती है, और फिर से वो तुम्हारा नेगेटिव यहाँ पे हो जाता है। तो क्या होगा, पहला नेगेटिव होगा -70 MV होगा, ठीक है, फिर +30 या फिर 35 MV तक हो जाता है, और फिर से क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट वन, जो ए होगा बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर बिल्कुल फिट बैठता है जब हम ए की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो और जैसे होगा मुझे
बताना और कोशिश करना कमेंट बॉक्स में आंसर करने की। ये मैंने तुम्हें समझाया भी था, तो ट्राई करो एक बार। ट्राई करो एक बार और आंसर करने की कोशिश करो। ये मैंने तुम्हें आंसर समझाया भी था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूटिवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले मैं नॉर्मल समझा देती हूँ तुम्हें। देखो, जब हम सब्स्टिट्यूटिवल फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली क्या होता है, जब किसी चीज को फॉस्फोराइलेट किया जाता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूटिवल फॉस्फोराइलेशन होता है कब होता है, जब तुम किसी सब्स्ट्रेट को यूज करते हो और वहां पे फॉस्फोराइलेशन वाला रिएक्शन होता है, कपल्ड रिएक्शन जो है देखने को मिलता है। और उस कपल्ड रिएक्शन के चक्कर में क्या होता है, तुम्हारा एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सब्स्टिट्यूटिवल फॉस्फोराइलेशन इज डायरेक्टली फॉस्फोराइलेटिंग एटीपी विद अ फॉस्फेट एंड द एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम द कपल्ड रिएक्शन। मतलब तुम एक सब्स्ट्रेट को यूज करते हो, कपल्ड रिएक्शन यूज करते हो और एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देते हो। सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन विल ओनली अकर इफ देयर इज अ रिएक्शन दैट रिलीजेस अ सफिशिएंट एनर्जी टू अलाउ द डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी। मतलब एक ऐसा सब्स्ट्रेट होना चाहिए तुम्हारे पास, अगर वो नहीं होगा, अगर वहां से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा क्या होगा, एडीपी विल नॉट कन्वर्ट इनटू द एटीपी और तुम्हारा सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है, सब्स्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज व्हेन द एटीपी इज जनरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच एंड एफएडीएच2 एंड द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन। दैट प्रोसेस जनरेट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पावर द एटीपी सिंथेसिस। सो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारी, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, जो एनएडीएच पॉजिटिव, जो एनएडीएच होता है बेटा वो एनएडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो FADH2 होता है बेटा वो FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और तुम्हारे हाइड्रोजन आयन्स को देते हैं। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में। और ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे ही प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है तो क्या होता है, तुम्हारा फिर मैट्रिक्स में चीजें आएंगी वापस से और एटीपी का सिंथेसिस जो है देखने को मिलता है। तो वो फॉस्फोराइलेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन सब्स्ट्रेट लेवल जो होता है बेटा फॉस्फोराइलेशन पर डिपेंड करता है। तो ATPs आर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बट नॉट बाय सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रॉपरली बनाया जाता है, लेकिन सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सिंपली एडीपी पे तुम्हारा फॉस्फोराइलेट करा दिया जाएगा और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो सब्स्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी डाल दिया जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होता है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है उसकी वजह से होता है। जबकि सब्स्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, जब तुम एक हाई एनर्जी सब्स्ट्रेट का यूज करते हो टू फॉस्फोराइलेट एडीपी टू फॉर्म एटीपी। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा अगर कभी क्वेश्चन और घुमा के तुमसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और जैसे होगा मुझे बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। देखो, मिक्सोडीमा इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, तो नॉर्मली जो मिक्सोडीमा होती है बेटा किसकी वजह से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। तो इसको याद में रखना है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए इसको। अगर बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, पहली बात तो ये लिख लो। हाइपरसिक्रेशन का मतलब होता है बेटा, हाइपरसिक्रेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा, हाइपर का मतलब होता है जब हमें बहुत गुस्सा आता है, मतलब जो चीजें बहुत ज्यादा गुस्से में निकलती हैं। हाइपर का मतलब होता है बेटा ज्यादा सीक्रेशन, जब ओवर सीक्रेशन हो जाता है किसी चीज का, अगर उससे डिजीज होती है तो उसको बोला जाता है हाइपर सीक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है जब उस पर्टिकुलर चीज का, मतलब उस हॉर्मोन का अगर सीक्रेशन तुम्हारा कम अमाउंट में होता है तो उसको हाइपोसिक्रेशन बोला जाता है।
अब अगर मिक्सोडीमा की बात करी जाती है, इस पर्टिकुलर डिजीज की बात करी जाती है, तो कैसे होता है? जब हाइपोसिक्रेशन होता है, मतलब कम सिक्रेशन होने लग जाता है एडल्ट्स में, तब क्या होता है, ये मिक्सोडीमा जो है देखने को मिलती है। तो इसको याद में रखना है। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इन द चिल्ड्रन, नहीं बेटा ये नहीं होगा, हाइपो होता है, हाइपर नहीं होता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन इन द एडल्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाइपोसिक्रेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात नहीं होती बेटा, ये एडल्ट्स में होता है, इसको याद में रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं सारे जितने भी हॉर्मोन मैंने पढ़ाए हैं, चाहे एड्रिनल वाले पढ़ाए हैं, ठीक है, चाहे थायराइड वाले पढ़ाए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों के तो तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए किसका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है और किसका हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। उल्टा लिख दिया है, किसका हाइपर सिक्रेशन हो रहा है और किसका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये तुम्हें ट्राई करो इसको एटलीस्ट, उसके बाद मैं समझा दूंगी। देखो, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अगर लिस्ट वन की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉर्मोन्स दे रखे हैं, यहाँ पे नेचर दे रखा है। अगर एस्ट्राडायोल की बात की जाती है, एस्ट्राडायोल की बात करी जाती है, प्रोजेस्टेरोन की बात करी जाती है, तुम्हारे एग्डायोसोन की बात करी जाती है, ये सारे के सारे जो बनते हैं बेटा, ये सारे के सारे स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। अब स्टेरॉयडल नेचर का मतलब क्या है कि इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है बेटा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन है बेटा, इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो कौन है, कोलेस्टेरॉल इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है। सो एस्ट्राडायोल इज हैविंग अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एज कोलेस्टेरॉल, सो दे आर स्टेरॉयडल इन नेचर। सो रिमेंबर दीज आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई दे कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट रिक्वायरिंग एनी रिसेप्टर इन द मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो मैंने बताया था जो एपिनेफ्रिन होता है बेटा, एपिनेफ्रिन क्या करता है, देखो एपिनेफ्रिन जो होता है एक तुम्हारा अमाइनो एसिड होता है, विच बी कॉल्ड टायरोसिन, टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, जो नॉर्मली तुम्हारा किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनेगा, तो फिनाइलएलनिन से बनेगा, फिनाइलएलनिन से बनेगा। टायरोसिन जो होता है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये अमाइनो एसिड किसको देता है, ये एपिनेफ्रिन भी बनाता है, ठीक है, ये एपिनेफ्रिन को भी बनाएगा, तुम्हारे नॉर एपिनेफ्रिन को भी बनाता है, ये याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को बनाएगा और तुम्हारे डोपामीन को भी बनाता है, डोपामीन को भी बनाता है। तो ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं बेटा तुम्हारे टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनती हैं, तो इसलिए जो बोला जाता है इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, अमाइनो एसिड नेचर का बोला जाता है, तो इसलिए याद में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम बात करेंगे तो अमाइनो एसिड नेचर का हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, टीएसएच की बात करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये कैसा होता है बेटा, प्रोटीन इन नेचर का होता है, प्रोटीन इन नेचर का होता है, इस चीज को भी याद में रखना है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये भूलना नहीं है। ग्लूकागॉन जो होता है किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो ग्लूकागॉन का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन वाला नेचर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन वाला नेचर होता है। और ग्लूकागॉन हार्मोन हो गया है, एपिनेफ्रिन हार्मोन हो गया है, कहाँ पे काम करते हैं, इनका जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है बेटा जीपीसीआर होता है, और ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं इंटू द ग्लूकोज, ठीक है, ये भी याद रखना है, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं इंटू द ग्लूकोज। तो जो ग्लूकागॉन होता है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का दोनों का एक कॉन्जुगेट देखने को मिलता है, दैट इज व्हाई द रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और यहाँ पे जो होता है दे आर कंटेनिंग अ जीपीसीआर, तो ये रिसेप्टर पे ये काम करते हैं, अब दे बेसिकली वर्क ऑन द जीपीसीआर रिसेप्टर एंड दे स्टिमुलेट द सिग्नल ऑफ कैस्केड ऑफ रिएक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द जीपीसीआर, और फाइनली क्या करते हैं, इट विल कन्वर्ट द ग्लाइकोजन, तो इट विल कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, क्योंकि जो ग्लूकागॉन क्या करता है तुम्हारे ग्लाइकोजन को जो उसकी एक स्टोरेज फॉर्म होती है उसको तोड़ देता है इनटू द ग्लूकोज, व्हाइल द इंसुलिन इज हैविंग अ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है, तो वो क्या करता है, इट विल कन्वर्ट द ऑल द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ ग्लूट4 रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट वन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को, और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, जब बात करते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूलर क्लॉक की,
तब मैंने तुम्हें एक प्रॉपरली इवोल्यूशन का एक लेक्चर दिया था, जहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा जो ह्यूमन जो जो तुम्हारे जितने भी पीरियड्स थे वो सारे कराए, पॉक मैंने तुम्हें सारे के सारे वहाँ पे कराए हैं, तो हॉर्स का वहाँ पे डेवलपमेंट भी कराया था, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे कि पूरा जो एंसेस्ट्रल जो हॉर्स है वहाँ पे क्या क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। चलो फिर, एंसेस्ट्रल हॉर्स दैट इज इयोहिप्पस, ठीक है, और इयोस ऑफ इयोसीन पीरियड। इयोहिप्पस जो होता है बेसिकली सबसे पुराना हॉर्स है, एंसेस्ट्रल हॉर्स है, याद रखना है। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशन इन द लिम्स फॉर द स्पीड। पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, जब हम इयोहिप्पस की बात करते हैं, ठीक है, और इयोहिप्पस के साथ में जो लास्ट में तुम्हारा इक्वस आता है, जो तो हमारा अभी का है, जो इयोहिप्पस जो होता है बेटा, ये इसमें पर्टिकुलर टाइम पे जो पहले जो बिल्कुल था, तो यहाँ पे तुम्हारे थ्री तुम्हारे फोर लिम में थे, फोर तुम्हारे अगर मैं बात करती हूँ हाइंड लिम में तुम्हारे पेडल्स प्रेजेंट होते थे। बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे इयोहिप्पस की, तो बहुत पुराना है, तो डिजिट्स की बात करी जाएगी तो तीन डिजिट पहले थे तुम्हारे फोर लिम में, फोर डिजिट होते तुम्हारे हाइंड लिम में थे। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, इक्वस की ओर बढ़ाइए, मतलब जितना ज्यादा ये डेवलप हुआ, तुम्हारा एक सिर्फ एक डिजिट रह गया है, सिर्फ एक डिजिट तुम्हारा रह चुका है फोलियम में, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी पर्टिकुलर डिजिट पे ये इनका सारा पूरा वर्जन होता है, और वो इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो जो इयोहिप्पस थे बहुत पुराने थे, तो उनके पास में तीन डिजिट थी फोलियम में और फोर डिजिट तुम्हारे हैंडलिंग में, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ढंग से सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगी। आई थिंक 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSI का क्वेश्चन है ये, तुम्हारा गेट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो बार मैंने क्वेश्चन देख लिया है, तो ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वेटिक इकोसिस्टम। तुमसे पूछा गया है कौन सा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव है। तो बेटा पॉन्ड इकोसिस्टम तो नहीं होता है ऑब्वियसली, घर के आसपास तुम्हें इतने सारे पॉन्ड इकोसिस्टम दिख जाते हैं, तो इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। रिवराइन भी नहीं होता है। कोरल रीफ इकोसिस्टम जो होता है काफी प्रोडक्टिव होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है। जो एस्टुरीन जो इकोसिस्टम होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इस चीज को याद में रखना है, टिप्स पे रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एस्टुरीन जो इकोसिस्टम होते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ही माने जाते हैं। एस्टुरीज आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव एनवायरमेंट ऑन द अर्थ, 4 times मोर प्रोडक्टिव इन द प्लांट मैटर देन अ राई ग्रास पास्चर एंड 20 times मोर प्रोडक्टिव देन द ओपन सी। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो एक्वेटिक सिस्टम होते हैं, जो ओपन जो ओशन वाली कंडीशन होती है, वो काफी ज्यादा यू नो प्रोडक्टिव होती है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल वाली कंडीशंस। एक्सट्रीमली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेसिस अकर थ्रू आउट द वाटर कॉलम। इस चीज को भी याद रखना है। तो एस्टुरीज होते हैं काफी प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, इसको ध्यान में रखना क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, सुबह 10 बजे फ्री क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, जो गेट के क्वेश्चन होते हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन। एंड एट 4 PM आई यूज टू टेक क्लास ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द CSI UGC NET अलॉन्ग विद द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो अगर आपको और भी क्लासेस लेनी है तो यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है एंड डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप, देन सर्च द कुमकुम गौतम एंड फॉलो इट। तो जब भी क्लास होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कभी कोड पूछा जाता है तो आपको क्या अप्लाई करना है, आपको कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, यू विल गेट द फ्री क्लासेस, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करी है दे कैन गो एंड देन सर्च द क्लासेस और आप देख सकते हैं क्लासेस को। अगर प्लस कोर्सेज की बात करती हूँ तो आप प्लस कोर्सेज को भी ले सकते हैं, आपको अंडर वन सब्सक्रिप्शन, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, देन यू नीड टू अप्लाई कुमकुम 10 टू गेट 10% ऑफ, ठीक है। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट द ऑल द क्लासेस ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अन अकेडमी ऐप। यू विल गेट ऑल द क्विजेस मॉक टेस्ट कोर्सेज बैचेस, आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोर्सेज का, तो जितने भी एजुकेटर्स हैं विच इज रिलेटेड टू अन अकेडमी ऐप, आपको सबके कोर्सेज मिलते हैं। यू कैन गो एंड फाइंड इट आउट देयर शेड्यूल के कौन से शेड्यूल पे किसकी क्लासेस हो रही हैं, आप उनके अकॉर्डिंग क्लासेस को देख सकते हैं। तो मेरा जो कोर्स है बेटा, सेकेंड मैं यूनिट आपको करा रही हूँ, तो जिन बच्चों ने भी कम्प्लीट करनी है, मैं आके और सारी यूनिट भी कराऊंगी। फर्स्ट करा चुकी हूँ, सेकेंड करा रही हूँ, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाती हैं, आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका 8th of January से एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम और खुशबू मैम आपको पढ़ाने वाली हैं।
दिस इज द बैच फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑन द लाइफ साइंसेस फॉर द बैच सीएसआई जून 2021। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है दे कैन अप्लाई कुमकुम 10 कोड टू गेट 10% ऑफ और आपको सारे बैचेस और कोर्सेज यहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। So if we're talking about the benefits of the plus classes, so if you take the plus classes, you get the multiple courses in a single subscription, you will get doubt session, PDF will be provided, notes will be provided in the PDF format, and direct interaction between the student and the teacher will take place, TVSA questions aapko karaya jate hain, and expected questions ko wahan pe tackle karaya jata hai, aapko quiz diye jate hain, homework question diye jate hain, but you need to apply Kumkum 10 to get 10% off. कुमकुम 10 अप्लाई करोगे आई थिंक दिस गोना बी मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। सो अगर जिन बच्चों ने भी अप्लाई करना है तो आप कुमकुम 10 को अप्लाई कर सकते हैं। सो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ एंड बहुत सारे बैचेस आपके आ रहे हैं तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ओनली। यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी प्लस एंड अप्लाई कुमकुम 10। ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, गेट अ सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। Then आपको चूज करना होता है कि विच प्लान यू वॉन्ट, कि आपको 12 मंथ्स का चाहिए, 24 मंथ्स का चाहिए। इट इज अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आपको 12 मंथ्स का अगर लेना है देन यू हैव टू पे 11,550 रुपीज एंड देन यू कैन अप्लाई अ रेफरल कोड विच इज कुमकुम 10 टू गेट 10% ऑफ। सो देन आफ्टर गेटिंग 10% ऑफ यू नीड टू पे 10,395 रुपीज ओनली एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड बाय विच यू कैन पे। डेबिट कार्ड है, दे हैव EMI, UPI, वॉलेट एंड नेट बैंकिंग। तो आपको जो भी पसंद आता है यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है, और आप पता कर सकते हैं एंड देन अप्लाई। तो आपको अगर EMI के थ्रू पे करना है तो आपको पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, फिर बजाज फिन वाला चीज़ होनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको पूछा जाता है कि आपको 12 मंथ्स की EMI बनवानी है या आपको 6 मंथ्स की EMI बनवानी है। तो अगर आप 12 मंथ्स की EMI बनवाना चाहते हैं तो 10,395 को पे करना था। 12 मंथ में कितना करना पड़ेगा, 866 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा, तो ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। तो अनअकैडमी ऐप को अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, दे आर वेरी यू नो कीन कि अगर उन्हें GRF क्लियर करना है तो आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है, बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस लेनी है, उसमें अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है कुमकुम 10 अप्लाई करना है, अगर आपको प्लस पे आना है तो उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है। अगर कोई बच्चा YouTube पे नया है, they can subscribe the channel, like the video and share the video. And thank you so much. Thank you.